हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं गर्मियों के लिए ठंडा ठंडा नींबू पुदीना शरबत। बनाने में बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको साल भर के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। विदाउट केमिकल हम नींबू पुदीना शरबत बनाने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नींबू पुदीने का शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं पुदीने की पत्तियां, यानी कि मिंट लीव्स। देखिए, धो करके और एकदम अलग अलग करके हमने पत्तियों को रखा है। डंठल हमने काम में नहीं लिए हैं। हमने मिंट लीव्स एक कटोरी ली हैं, कटोरी में बहुत अच्छे से दबा दबा के भर दी थी। सबसे पहले हम मिंट लीव्स को एक जार में डाल लेंगे, साथ ही हम डाल देंगे इसमें एक आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जो ब्लैक हो जाता है वो ब्लैक नहीं होगा, एकदम ग्रीन कलर इसका रहेगा। आइए इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने बहुत अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है और एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है और कलर भी बिल्कुल डार्क ग्रीन है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी किचन जो है बहुत अच्छे से महकने लग गई है मिंट लीव्स की वजह से। आइए फटाफट से हम शरबत तैयार कर लेते हैं। नींबू पुदीना शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है मिश्री। जिस कटोरी से हमने पुदीना माप करके लिया था उसी कटोरी से हम मिश्री ले रहे हैं। यहाँ हमने एक कटोरी भर के मिश्री ली है। ये पीसेस वाली मिश्री है। अगर आपके यहाँ साबुत मिश्री है तो आप उसको तोड़ के भी यूज में ले सकते हैं। अब हमने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम मिश्री, साथ ही हम डाल देंगे एक कटोरी पानी। हमने वही कटोरी ली है जिससे हमने पुदीना और मिश्री माप के लिए है, इसी से हम लगभग एक कटोरी के आसपास पानी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब मिश्री को लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है नींबू पुदीना शरबत। लू लगने से बचने के लिए अगर हम रूटीन में नींबू पुदीना शरबत यूज में लेते हैं तो इससे लू से बचा जा सकता है, लू नहीं लगती है। आप जब भी ऑफिस से घर आते हैं या बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो आप उनको नींबू पुदीना शरबत बना के दीजिए, बिल्कुल लू से बचे रहेंगे। देखिए, पानी में उबाल आने लग गया है, यानी कि जो हमारी मिश्री है वो पानी में घुलने लग गई है। एक बार और चला देते हैं। जितनी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है उतना ही समय कम लगता है बनाने में। बिल्कुल भी ज्यादा समय और ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती है हमें नींबू पुदीना शरबत बनाने के लिए। देखिए, पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है और मिश्री बहुत अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हमने जो पुदीने का पेस्ट तैयार किया था उस पेस्ट को हम चाशनी में डाल देंगे, यानी कि उबलते हुए पानी में डाल देंगे। जार को धोकर के भी हम कढ़ाई में ही डाल देंगे ताकि जो मिंट का जो फ्लेवर है वो सारा कढ़ाई में आ जाए। देखिए, हमने जार को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और पानी भी कढ़ाई में डाल दिया है। सभी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको लगातार इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। हमें इसकी कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बॉईल आने तक इसको इसी तरह से पकाते रहना है। हमारा सिरप तैयार होने को है पर अभी तैयार नहीं हुआ है, बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और लगभग 5 मिनट इसको इसी तरह से पकने देंगे। आइए तब तक नेक्स्ट स्टेप तैयार कर लेते हैं। नींबू पुदीना शरबत बनाने जा रहे हैं। नींबू तो अभी तक हमने यूज में ही नहीं लिया। हमने यहाँ पे लिए हैं 4 बड़े साइज के नींबू। इनका एक बाउल में रस निकाल लेंगे। रस जो है वो लगभग आधा कटोरी के आसपास होगा। अभी हमने एक नींबू का रस निकाला है, अभी 3 नींबू का रस निकालना बाकी है। ये देखिए, हम एक एक करके सभी नींबू का रस इसी तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से देखिए नींबू का रस निकल के तैयार हो गया है। लगभग आधा कटोरी के आसपास नींबू का रस निकल के तैयार हुआ है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और इसके बाद में हम मसाला तैयार कर लेंगे। पुदीना नींबू शरबत बनाने के लिए हम मसाला तैयार करने जा रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं लगभग 2 से 3 पिंच के आसपास काली मिर्च, साथ ही हम ले रहे हैं छोटा आधा चम्मच सिकावा जीरा पाउडर, छोटा आधा चम्मच काला नमक। काला नमक के बाद में हम ले रहे हैं छोटा आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास में चाट मसाला नहीं है तो आप जलजीरा मसाला भी ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम ले रहे हैं सफेद नमक, ये भी क्वांटिटी में छोटा आधा चम्मच ही है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, पर जो हमने क्वांटिटी आपको बताई है नींबू पुदीना शरबत बनाने के लिए उसके लिए एकदम सफिशिएंट है। देखिए, नींबू पुदीना शरबत का मसाला भी तैयार हो चुका है। आइए अब एक बार हम सिरप को चेक कर लेते हैं। नींबू पुदीना शरबत के लिए हमारा सिरप लगभग तैयार हो चुका है। देखिए, गाढ़ा भी हो चुका है। इसमें एक तार की चाशनी नहीं आई है, हमें एक तार की चाशनी नहीं लेनी है, बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है।
देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है, मैं आपको एकदम पास से दिखा देती हूँ। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हमने जो मसाला तैयार किया है वो मसाला भी हम इसी में ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लगभग एक मिनट तक इसको और पका लेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। देखिए कितना आसान है, कितनी हेल्दी ड्रिंक हमारी बनके तैयार होने वाली है। गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है ये। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सिरप को ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद भी ये और गाढ़ा हो जाएगा। हमारा नींबू पुदीने का शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है, एकदम डार्क ग्रीन कलर्स का हमारा शरबत बनके तैयार हुआ है। अब हमने जो नींबू का रस निकाल के रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम एक बाउल के अंदर तैयार किए हुए शरबत को छान लेंगे ताकि जो मोटा मोटा है वो सब बाहर रह जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मसाले डाले हैं और जो भी इसमें रेशे होंगे वो सब रह जाएंगे। देखिए हमने सारे सिरप को छान लिया है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा है, जो हमने मसाले डाले थे बस वो ही रह गए हैं। और जो सिरप हमारा तैयार हुआ है वो बहुत अच्छे से बिल्कुल एक सा तैयार हुआ है। देखिए हमारा शरबत तैयार हो चुका है, हमने छान लिया है, बिल्कुल एक सा हमारा शरबत बन के तैयार हुआ है। और देखिए बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं है, रेशे भी नहीं है। हम आपको आज दो तरीके शरबत बना के दिखाएंगे, एक मॉकटेल स्टाइल में और एक शरबत स्टाइल में। आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप जब मन में आए तब शरबत बना के पी सकते हैं, या आपको मॉकटेल बनाना है तो मॉकटेल बना के भी पी सकते हैं और इसको लंबे समय के लिए एयरटाइट बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा नींबू पुदीने का शरबत तैयार हो गया है और देखिए मैंने बॉटल में भी भर दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। नींबू पुदीना शरबत हमारा रेडी हो गया है। आइए आज हम इसको आपको दो तरीके से बनाना बताएंगे। सबसे पहले हमने ग्लास लिया है और ग्लास में नींबू पुदीना शरबत डाल देंगे। ये लगभग 2 चम्मच के आसपास हमने डाला है, लगभग 1-1 चम्मच के आसपास हम और डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए और हमें एक्स्ट्रा शुगर ना डालनी पड़े। शरबत डालने के बाद हम दोनों ग्लासेस में आइस क्यूब डाल देंगे। अब हम डालेंगे 1 ग्लास में चिल्ड वाटर, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा शरबत बनके तैयार हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। और 1 ग्लास में हम डाल देंगे सोडा, ये भी हमने फ्रिज में रखा हुआ था, एकदम चिल्ड है। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा मॉकटेल बनके तैयार होगा। 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें सब्जा के बीज, क्योंकि इसको मॉकटेल स्टाइल में बना रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मिंट लीव से डेकोरेट कर देंगे, नींबू के स्लाइस लगा देंगे। नींबू पुदीना शरबत और नींबू पुदीना मॉकटेल बिल्कुल रेडी है, हमने सर्व भी कर दिया है। लुकिंग में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।